हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दही बड़ा। दही बड़ा एक ऐसी रेसिपी है जिसके बगैर किसी भी त्यौहार की हम साधारणतः कल्पना नहीं कर सकते और लोग इसको टिपिकल समझते हैं, बट हम चाहें तो इसको घर पे बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए हमें बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो प्रिपरेशन है या जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, मैं बताता हूँ आपको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दही वड़ा बनाना। दही वड़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उड़द की दाल, करीबन एक पाव लेंगे धुली हुई बिना छिलके वाली, और करीबन 80 से 100 ग्राम मात्रा में लेंगे मूंग की दाल धुली हुई। पहले इन दोनों को मिक्स करना है और फिर हम इनको पानी में भिगो के रखेंगे कम से कम 3 घंटे के लिए। पहले दोनों दाल हम मिक्स कर देंगे और अब इनको भिगो देंगे पानी में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाएगी और फिर इसको 3 घंटा पानी में ही छोड़ देंगे। ये देखिए, करीबन 3 घंटे हो गए हैं और दाल जो हमने मिक्स की थी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। हमने अपनी जितनी भी उड़द की और मूंग की दाल मिक्स जूसर मिक्सर के थ्रू पीसी थी, इसको हमने हल्का दतरा पीसा था, उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे ताकि इसमें अच्छे से फुलावट आएगी और फिर हम उसके वड़े तैयार करेंगे। अब गैस ऑन कर लीजिए और इस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। अब कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, इतना ले लीजिए ताकि वड़े अच्छे से तले जा सकें। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसमें वड़े डालेंगे। धीरे धीरे इनको पलटते रहेंगे। जो भी वड़ा गोल्डन फ्राई होता जाएगा उसको कढ़ाई में से निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे। बीच बीच में गैस को स्लो करते रहें। एक बर्तन में साफ पानी भी लेके रखना है ताकि जब वड़े बनाते रहेंगे तो बार बार हाथ भी डालते रहेंगे साफ करने के लिए। जो वड़े हमने बर्तन में निकाल के रखे थे उनको एक बार दोबारा शैलो फ्राई कर देंगे, उसके बाद ये जाएंगे बर्तन में और फिर हम इसको डाल देंगे ठंडे पानी में। अब जो हमने वड़े तले थे उनको पानी में डाल देंगे। और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने अपने सभी वड़ों को अपने इस बर्तन में डाल दिया है और पानी के अंदर ही इसको अब काफ़ी देर तक डीप करके रखेंगे। जब सर्व करना होगा तब हम दही, काली मिर्च और जो बाकी मसाला रहता है वो डाल के इसको सर्व कर देंगे। अब हम अपने दही बड़ों के लिए दही मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए बर्तन में मैंने ली है 1/2 किलो दही। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ऊपर से डालेंगे थोड़ी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक। क्योंकि दही अपना गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे ताकि ये पतला हो जाएगा। जो हमने अपने दही बड़े पानी में डीप करके रखे थे अब उनको एक एक निकाल के पानी से अच्छे से पानी निकाल देंगे और दही में छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारे जितने भी दही बड़े हैं उनको हमने दही के साथ अपनी बड़ी सी परात में रख लिया है। अब हम इनको सर्व करेंगे। आइए टेस्ट करते हैं कैसे हैं अपने दही बल्ले। ये देखिए दोस्तों, हमने इस पे थोड़ा सा अपना लाल चटनी भी डाल दिया है। आइए चलिए टेस्ट किया जाए।
मस्त जबरदस्त।